और एक और बड़ी खबर है, धमाके से दहल गया रूस का सारा तोप। गैस स्टोरेज फैसिलिटी में वहां विस्फोट हुआ। धमाके के बाद स्टोरेज फैसिलिटी में आग लग गई। यूक्रेन की तरफ से ड्रोन हमले की आशंका जताई जा रही है। देखिए, ये गैस स्टोरेज फैसिलिटी है जहां रूस के सारातोव में ये धमाके से उस वक्त दहल गया जब यहां पर एक बड़ा विस्फोट हुआ। बताया जा रहा है कि रूस को आशंका है कि यूक्रेन ने कोई ड्रोन अटैक किया है जिसकी वजह से यहां पर ये हम विस्फोट हुआ। उधर रूस के रोस्तोव डिटेंशन सेंटर में सभी 6 आईएसआईएस आतंकी मार गिराए गए। रूस की स्पेशल फोर्स ने आईएसआईएस आतंकियों को मार गिराया। कर्मचारियों को बंधक बनाकर खुद की रिहाई की मांग कर रहे थे आईएसआईएस आतंकी, इनको मार गिराया रूस की स्पेशल फोर्स ने। रूस के रोस्तोव डिटेंशन सेंटर में आईएसआईएस इस डिटेंशन सेंटर के कर्मचारियों को बंधक बनाकर खुद के रिहाई की मांग कर रहे थे। उधर पुतिन का शांति प्रस्ताव, यूक्रेन को बचाने का आखिरी मौका। यूक्रेन के पूर्व विपक्षी नेता विक्टर मेदवेदचुक का यह बयान है। शांति प्रस्ताव से यूक्रेन और यूक्रेनी नागरिकों को फायदा होगा, विक्टर मेदवेदचुक ने कहा, यूक्रेन में अवैध राष्ट्रपति। तो वैसे तो बीते 28 महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, मगर बीती रात पुतिन के बारूदी भूचाल से नेटो देशों में खौफ पसरा हुआ था। हालात इतने भयावह हो गए कि पोलैंड समेत नेटो के कई देशों को अपनी एयरफोर्स को एक्शन में लाना पड़ा। लड़ाकू विमानों को अलर्ट किया गया। बीती रात रूस ने यूक्रेन के एक दर्जन से ज्यादा शहरों को बारूद से थर्रा दिया। इन शहरों पर हुई एयर स्ट्राइक से नेटो सबसे ज्यादा सहमा हुआ है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पुतिन लगातार नेटो देशों को चेतावनी दे रहे हैं। जून की रात पोलैंड में मौजूद नेटो के एयरबेस पर जबरदस्त हलचल मची थी। पोलैंड समेत नेटो देशों के लड़ाकू विमान एयर स्ट्रिप से लगातार उड़ान भर रहे थे। यूक्रेन और बेलारूस की सीमा पर मौजूद एयर जोन की निगरानी कर रहे थे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या नेटो देशों की तरफ से किसी बड़े हमले की तैयारी की जा रही थी। क्या रूस बेलारूस पर हवाई अटैक का प्लान बनाया जा रहा था, या फिर किसी खतरे को टालने के लिए नेटो के आसमानी जंगबाज एक्शन में थे। आपको बता दें, 14 जून की रात नेटो का हवाई एक्शन अटैक के लिए नहीं बल्कि डिफेंस के लिए था। क्योंकि बीती रात रूसी डिफेंस ने यूक्रेनी इलाकों पर भीषण हमला किया। कामिकाजे ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन को दहलाया। वहीं रूसी फाइटर जेट ने यूक्रेनी प्रांतों पर स्ट्राइक की। दावा किया जा रहा है कि पोलैंड बॉर्डर के करीब 200 मील दूर यूक्रेन का खमेलनित्स्की रीजन रूसी मिसाइलों से धधकने लगा। बीते 24 घंटों में यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई बड़े शहरों और प्रांतों में ऐसा बारूदी भूचाल आया जिसे देख हर कोई सन्न रह गया। कहीं आसमान से ताबड़तोड़ अंदाज में स्ट्राइक की गई, कहीं आत्मघाती ड्रोन ने तबाही मचाई। कहीं आर्टिलरी शेल से यूक्रेनी सरजमी दहली, तो कहीं एमएलआरएस और मिसाइलों ने बारूदी कोहराम मचाया।
आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कीव से लवीव तक, वोवचांस से खार्कीव तक, कोपियांस से लीमन तक, सुमी से क्रामतोर्स तक, अवदीपका से सोकोल तक, क्रास्नोरिवका से तिखे तक, यूक्रेन का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां रूस की तरफ से हमला ना किया गया हो। मतलब ये कि बीती रात पुतिन ब्रिगेड के प्रचंड अटैक के चलते यूक्रेन के एक दर्जन से ज्यादा शहर बारूदी जलजले से दहल गए। और धधकते यूक्रेन को देख नेटो देश भी सहम गए। लिहाजा नेटो देशों ने अपनी सुरक्षा की खातिर रात के वक्त ही लड़ाकू विमानों को अलर्ट मोड पर ला दिया ताकि पुतिन की बारूदी आग से खुद को बचा सके। रूसी डिफेंस के हमलों को रोक सके। दरअसल नेटो इसलिए भी भयभीत था क्योंकि G7 समिट में जिस तरह ज़ेलेंस्की शामिल हुए उससे पुतिन भड़के हुए थे। इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि जल्द ही नेटो की तरफ से यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों की खेप मिलने वाली है। लिहाजा पुतिन ने भी नेटो को सीधी वार्निंग दी, वो ये कि अगर नेटो के किसी भी देश ने यूक्रेन को मिलने वाले F-16 लड़ाकू विमानों को अपना एयर स्पेस दिया तो फिर रूसी सेना उस नेटो देश पर हर हाल में अटैक करेगी, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। मतलब ये कि अब पुतिन का अगला टारगेट नेटो के वो देश होंगे जो सीधे तौर पर यूक्रेन के मददगार हैं, रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। लेकिन पुतिन ने भी साफ कर दिया है कि अब रूसी डिफेंस पहले से ज्यादा विध्वंसक अंदाज में यूक्रेन को दहलाएगा और इसके लिए रूस ने करीब 7 लाख से ज्यादा सैनिक बैटल ग्राउंड में उतार दिए हैं। रूसी ब्रिगेड के इन 7 लाख सैनिकों की तैनाती वैसे तो यूक्रेन के कोने कोने में है, मगर पुतिन ने ज्यादातर सैनिकों को पश्चिमी यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए झोंक रखा है। ताकि पोलैंड और बाकी नेटो देशों से हथियारों की सप्लाई रोकी जा सके, वेपन डिलीवरी रूट को काटा जा सके, पश्चिम से मिलने वाले हथियारों के एंट्री पॉइंट को नेस्तनाबूद किया जा सके। और इसीलिए रूस पश्चिमी यूक्रेन में मौजूद बारूदी गोदामों और वेपन रूम को ध्वस्त कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।